वेलकम है गाइज, आप सभी का आपके अपने चैनल टेकबुक पे। आज हम बात करने वाले हैं दो वॉचेस की। अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है ऑर्बिट क्रॉसबीट की तरफ से और ऑर्बिट स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे क्रॉसबीट्स ने दो अपनी वॉचेस लॉन्च कर दी है। देखेंगे दोनों में क्या कुछ डिफरेंस मिलता है। ऑल्दो यहाँ पे ये जो दोनों वॉचेस लॉन्च हुई हैं 2021 में ही लॉन्च हुई हैं, तो यहाँ पे सेम चीज़ें हैं बट थोड़े से डिफरेंस है। वो माइनर डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्ले की। तो ऑर्बिट में आपको डिस्प्ले मिलती है 1.3 इंचेस की आईपीएस डिस्प्ले मिलती है, कलर डिस्प्ले जिसका रिजोल्यूशन 240x240 पिक्सल्स का है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ऑर्बिट स्पोर्ट्स की बात करूं तो 1.28 इंचेस की आईपीएस कलर डिस्प्ले मिलती है 240x240 पिक्सल्स की। तो यहाँ पे 0.2 इंचेस का अंतर है क्योंकि वो स्पोर्ट्स वॉच है, तो यहाँ पे जो डायल है वो स्पोर्ट्स की तरह है, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन साइज कम कर दिया गया है। आगे बात करें यहाँ पे रेस टू वेक आपको दोनों ही वॉचेज में मिल जाता है। और साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2.5D कर्व्ड ग्लास यूज किया गया है ऑर्बिट में जो सिंपल वाली है, साथ में यहाँ पे 5H ग्लास हार्डनेस यूज करेगी जिसकी वजह से इसमें एक प्रोटेक्शन भी ऐड हो जाता है। ऑर्बिट स्पोर्ट्स में आपको टेम्पर्ड ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। तो यहाँ पे जो प्रोटेक्शन भी है वो दोनों में डिफरेंट यूज किया गया है क्योंकि एक तरफ स्पोर्ट्स की वॉच है और एक तरफ आपकी ऑर्बिट नॉर्मल वाली है। आगे बात करें यहाँ पे जो पर पिक्सल डेंसिटी है वो दोनों की ही कहीं ना कहीं सिमिलर है। यहाँ पे 326 पर पिक्सल डेंसिटी है दोनों की ही, तो यहाँ पे थोड़ा सा 220 लिखा हुआ है बट यहाँ पे 326 पर पिक्सल डेंसिटी है दोनों ही वॉचेस की। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है वो भी सिमिलर है, यहाँ पे 226 लिखा हुआ है तो बट यहाँ पे सिमिलर ही है, 350 निट्स की ब्राइटनेस है। तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस सिमिलर परफॉर्म करती हैं डिस्प्ले के मामले में। ऑल्दो आगे बात करें यहाँ पे वॉच फेसेस एंड सपोर्ट के बारे में, तो ये भी दोनों में सिमिलर ही है। 50 प्लस क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस आपको मिल जाते हैं और साथ में यहाँ पे आप अपना इमेज को मतलब गैलरी में से कोई भी इमेज को एज अ वॉच फेस रख सकते हो, ये फीचर आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है। बात करें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और फिटनेस मोड्स के बारे में, तो यहाँ पे ऑर्बिट में आपको 10-10 स्पोर्ट्स मोड दोनों ही वॉचेस में आपको मिलते हैं। साथ में यहाँ पे जो IP68 वाटर रेजिस्टेंस आपको जो रेटिंग है वो दोनों ही वॉचेस में मिल जाती है। स्विम प्रूफ नहीं है ये वाटर प्रूफ आपकी वॉच है, तो आप इसको पानी में सबमर्ज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे स्विमिंग के लिए एग्जैक्टली ये बनी नहीं है वॉच, ये आप माइंड कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जो स्पीकर वेंट है और साथ में यहाँ पे और भी माइक्रोफोन वेंट है, तो इसकी वजह से इसको आप फुली वाटर प्रूफ नहीं मान सकते। आगे बात करते हैं यहाँ पे कंसिस्टेंट स्टेप्स काउंटिंग स्पोर्ट्स मोड एक्टिविटीज़ मिलता है। प्रिसाइज आप यहाँ पे चेकिंग कर सकते हो अपने हार्ट रेट को, अपने SpO2 लेवल्स को, अपने BP को मेजर कर सकते हो, सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो। आगे बात करें सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेंसर दोनों ही वॉचेस में अवेलेबल हैं, जैसे कि एक्सेलेरोमीटर है, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर है और साथ में जायस्कोप सेंसर आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है। बात करें यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कॉलिंग फीचर मिलता है दोनों ही वॉचेस में, तो आप कॉल्स को रिसीव और डायल फोन मतलब अपने फ़ोन को निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी वॉच से ही डायल और रिसीव कर सकते हो। दोनों ही वॉचेस में ये फीचर अवेलेबल है। आगे बात करें अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटडाउन टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन दोनों ही वॉचेस में मिल जाते हैं। स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको दोनों ही वॉचेस में रिसीव हो जाएंगे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, जहाँ के भी हो। उसी के साथ साथ आप रिप्लाई बैक नहीं कर सकते हो, प्री रिकॉर्डेड रिप्लाई बैक इसमें अवेलेबल नहीं है। आगे बात करें यहाँ पे फुल टच डिस्प्ले मिलता है, दोनों का ही स्मूथ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, स्टटर लैग नहीं करता है। ब्लूटूथ 5.0 का ऑप्शन भी मिल जाता है आप सभी को। और इसी के साथ साथ हम बात करें फाइंड माई फोन, म्यूजिक कंट्रोल और एक्स्ट्रा जो आपको फीचर है वो मिल जाते हैं इसमें, जैसे कि कैमरा शटर बटन भी आपको मिल जाता है। तो सारी की सारी चीज़ें जो नॉर्मल वॉचेस में अवेलेबल होती हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। और एंड्रॉयड या iOS दोनों से ही ये वॉच पेयर हो जाती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो ऑर्बिट नॉर्मल वाली हो। तो वाई फिट एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करोगे, उसके थ्रू आप दोनों ही वॉचेस को पेयर कर सकते हो। आगे बात करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के मामले में, तो दोनों ही वॉचेस सिमिलर ही हैं। 64MB इंटरनल मेमोरी मिलती है और 32MB ऑफ रैम मिलता है। यहाँ पे ऑर्बिट में आपको नॉर्मल UI यूज़ किया गया है कंपनी का खुद का, जो कि स्मूथ है। और ऑर्बिट स्पोर्ट्स में आपको दो UI मिलते हैं, एक तो कंपनी का खुद का ही मिलता है, साथ में यहाँ पे हनीकॉम वाला जो मेन्यू है वो भी मिलता है आपको, जो आई वॉच की तरह आपको होता है, वो भी आपको इसमें अवेलेबल है ऑर्बिट स्पोर्ट्स में। थोड़ा सा स्पोर्टी लुक दिया गया इसको। आगे बात करते हैं यहाँ पे सिंगल बटन दोनों ही वॉचेस में मिलती हैं और गेस्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो, अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे गेस्चर्स काम करते हैं दोनों ही वॉचेस में। बात करें बैटरी बैकअप और चार्जिंग टाइम के बारे में, तो दोनों ही वॉचेस 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती हैं और यहाँ पे 20 डेज का, यस आपने सही सुना, 20 डेज का स्टैंड बाय टाइम आपको दोनों ही वॉचेस देती हैं। बट यहाँ पे एग्जैक्टली कितना देती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कितने एमएच बैटरी है, तो मैंने एज्यूम करा हुआ है 380 एमएच तक की इसकी बैटरी होगी, क्योंकि कॉलिंग वॉचेस की जो बैटरी है वो
ज़्यादा होते हुए भी चलती नहीं है वॉचेस। जैसे कि आपकी मोलाइफ सेंस 500 थी तो उसकी 270 mAh की बैटरी है, बट उसके बावजूद भी उसका जो बैटरी बैकअप है वो बहुत कम था, करीब करीब 16 से 18 घंटे था। तो उस हिसाब से मैंने इसमें एक्सपेक्ट किया है कि 380 या 400 mAh तक की बैटरी इसमें हो सकती है। 10 डेज़ का रन टाइम क्लेम करती है एज़ शेयर्ड बाय द कंपनी। उसी के साथ साथ यहाँ पे चार्जिंग टाइप दोनों में ही डॉक चार्जिंग आपको सपोर्ट मिल जाता है। और आगे बात करें यहाँ पे एक्चुअली में 8 डेज़ का विदाउट नोटिफिकेशन आपको रन टाइम मिल जाएगा दोनों ही वॉचेज़ में। मेरा मतलब यह है कि अगर आप ब्लूटूथ को कट डाउन कर दो, आप सिर्फ फिटनेस एक्टिविटीज़ को ही देख रहे हो और साथ में सिर्फ टाइम को देख रहे हो वॉच में, तब आपको 8 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बट अगर आप सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन रखते हो तो 2 दिन का इजीली आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। उसी के साथ साथ जो कॉलिंग में आपको टाइम मिलेगा कॉल करने के लिए, वॉच से अगर आप डायरेक्टली कॉल करते हो तो 7 to 8 आवर्स आपको टॉक टाइम मिल जाएगा दोनों ही वॉचेस से अगर आप बात करते हो तो। बात करें मेन फीचर्स की तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। हार्ट रेट स्कैनर आपको मिल जाता है दोनों ही वॉचेस में। SpO2 लेवल्स, ब्लड ऑक्सीजन लेवल को आप मेंटेन मेजर कर सकते हो दोनों ही वॉचेस में। BP मॉनिटर आपको ऑर्बिट में मिलता है, ऑर्बिट स्पोर्ट्स में मिसिंग है ये फीचर। आगे बात करें यहाँ पे स्लीप ट्रैकिंग दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है। कैलोरी बर्न, स्टेप्स ट्रैकिंग आपको दोनों ही वॉचेस में मिलती है। सेडेंटरी रिमाइंडर आपको दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है। साथ में यहाँ पे ब्रीद रिलैक्स का मोड आपको दोनों में ही मिल जाता है। ऑल्दो यहाँ पे फीचर्स दोनों के सिमिलर हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, BP मॉनिटर जो कि स्पोर्ट्स में देना चाहिए था। आगे बात करें स्ट्रैप क्वालिटी की तो दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करती हैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी और स्ट्रैप क्वालिटी में। यहाँ पे जो वेट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है ऑर्बिट का, और ऑर्बिट स्पोर्ट्स का अंदाजन 40 टू 50 ग्राम्स के बीच में है। आगे बात करें स्ट्रैप साइज़ की तो ऑर्बिट स्पोर्ट्स में आपको 22 mm स्ट्रैप साइज़ मिलता है, तो आप आफ्टर मार्केट का भी लगा सकते हो। और ऑर्बिट में आपको 20 mm स्ट्रैप साइज़ मिलता है, तो आप आफ्टर मार्केट का यहाँ पे लगा सकते हो। बट मेरे को थोड़ा सा डाउट है ऑर्बिट स्पोर्ट्स का, क्योंकि यहाँ पे एम्बेडेड है वो जो स्ट्रैप है, तो मे बी आफ्टर मार्केट का लगे ना लगे वो मैं कंफर्म नहीं हूँ। बट यहाँ पे मैं श्योर हूँ ऑर्बिट में आपका आराम से थर्ड पार्टी स्ट्रैप आप यूज़ कर सकते हो। आगे बात करते हैं स्ट्रैप क्वालिटी दोनों की सिमिलर है, सिलिकन स्ट्रैप आपको दिया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो मेन वॉच डायल है वो आपका दोनों ही वॉचेस में मेटल का दिया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, रिजिड फील होता है, रगेड फील होता है। साथ में जो बेस है वो पॉलीकार्बोनेट का दिया गया है। पीछे की साइड आपको डॉक चार्जिंग और साथ में जो सेंसर जितने भी वो सारे के सारे बैक साइड आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। और अगर आपको दोनों में से कोई भी वॉच बाय करनी है तो अभी तो एज ऑफ नाउ प्री ऑर्डर पे अवेलेबल है। ऑर्बिट आएगा आपको मिल जाएगी, ऑर्बिट मेरे ख्याल से आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, बट ऑर्बिट स्पोर्ट्स आपको मिल जाएगी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और अमेजोन पे भी एज सून एज पॉसिबल ही आने वाली है, तो मैं लिंक को अपडेट कर दूंगा। जैसे ही आ जाएंगी आप वहां से जाके डायरेक्टली बुक कर सकते हो, बाय कर सकते हो। और दोनों का प्राइस 5,000 rupees है, बट इंट्रोडक्टरी ऑफर के थ्रू ये आपको 500 rupees तक का कैशबैक दे रहे हैं कंपनी की तरफ से, तो मे बी अमेज़ॉन पे आए तो 4,500 rupees में आए, बट एज ऑफ नाउ अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बाय करोगे तो 500 rupees का आपको कैशबैक मिल जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 4,500 rupees की वॉच पड़ेंगी। तो आई गेस मैंने यहाँ पे जो सारे के सारे फीचर्स फंक्शंस हैं डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।